तो हाय भाई, आज हम लोग बाहर खेलने आ रहे हैं माइनक्राफ्ट विद माय ब्रदर, मेरे भाई भाई के साथ। आज हमने बनाया एक सिक्योरिटी टावर जो कि पूरे 5 स्टेज है। हाँ, मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई, वो मैंने बनाई नहीं थी क्योंकि मैं फ्री था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी वो बना दिया। तो सोचा भैया को चैलेंज ही दे देता हूँ, तो आज मेरे भाई चैलेंज करने आते थे। तो भाई चैलेंज स्टार्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे रूल्स तो बता दो। इसमें रूल्स क्या है पहले मैं तो झाक तो लूँ। बिल्कुल, मुझे रूल्स तो बता दो। इसमें रूल्स क्या है पहले मैं तो झाक तो सबसे लूँ। पहले यहाँ पे ओ कार्गो भाई, ही ये रख क्या दो। है? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा ओ भाई, नीचे वॉइड है, है, हैरान हो गए। ऊपर नहीं दिख रहा है कुछ साफ साफ साफ। अभी नहीं दिखेगा क्योंकि सर पे आके ब्लॉक है। तो इसके रूल्स मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। पहले तो आपको इसका डोर खोलना है, जिसमें आपको सिर्फ 3 चांस मिलेंगी और 2 लीवर से इसका डोर खुलेगा, ना कि 1 लीवर से डोर। सिर्फ अगर आपने 1 चांस गवाई तो यानी तुम्हारे फिर तो तुम्हें 2 करेक्ट ही लगाने पड़ेंगे। मतलब सिर्फ 3 चांस? ऐसा तो मत कर भाई। अगर आप तुम पूरे टावर को ढंग से देखोगे तो कम अच्छा होगे, ये पूरे हल्का टावर हिंट है। को? तो हाँ चलो नॉर्मल है। चैलेंज स्टार्ट ओ हो भाई चुका है, भाई भाई, कौन मार रहा है? चैलेंज स्टार्ट हो चुका है। चलो अब इन बच्चों को क्यों मार रहे हो, चलो बोलो अरे भाई। इसको देखने से अरे क्या हो सकता है, सोचो इसमें सोचो, ऐसा ध्यान क्या हो लगाओ अपना। सकता है? एक बार अंदर चेक करता हूँ। अंदर तो वैसे मुझे कुछ ज्यादा खास दिखाई नहीं दे रहा है, सब नॉर्मल ही। गाइस दिमाग पहले लगाओ। एक अरे तुक्का मार के देखते हैं, हो जा। ओह नो, मेरी एक चांस बस गई। सबसे आप पे 2 ही चांस बची है। पहले पेट पूजा करते हैं, बाद में काम भी थे ये वाला। ओह नो, सिर्फ एक चांस। ओह नो, मेरी सिर्फ अब एक चांस रह गई है, क्या करूं? 1 सेकेंड। ओ भाई क्या दिमाग लड़ाया है बंदे ने। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। ये पूरा नेदरराइट का बना हुआ है और ये बीच में डायमंड क्या कर रहे हैं? डायमंड की लेयर, वो भी एक नहीं दो नहीं तीन इस तरफ और चार इस तरफ। या तो ऐसा होता कि चार इस तरफ और चार इस तरफ, या फिर तीन इस तरफ या तीन इस तरफ, लेकिन इसमें तीन इस तरफ और चार इस तरफ। तो भाई इसका मतलब मे बी इसका आंसर, अगर मैं ये वाला दरवाजा खोलता हूँ तो क्या मैं अंदर जा पाऊंगा? नहीं, मैं इसी मेज वाला दरवाजा खोलना होगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, पैसा ही पैसा होगा। ओह नो, ओ यस, तेरा खुल कैसे। गया। चलो शुरू करते हैं पहली ब्लॉक। ओह गॉड, इसको कैसे पार करोगे सोचो, ऊपर तो पत्थर मिल रहे थे। ओ भाई अड़ेगा जब मार ही नहीं भाई। सकते। ओ फाइनली वो हो गई पहली बार में ही। डर लग रहा है। ओ भाई ओ, हो गई फाइनली। मैं ऑलरेडी 2-3 बार मर चुका हूँ यहाँ पर जंप लगाकर। बेटे माज कर दी, हाँ माज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर वो तम तो। अब शुरू से करना पड़ेगा। चलो गाइस, मैं दोबारा आपको वहां मिलता हूँ। तो वापस से मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ भाई, अब की फेल नहीं होनी चाहिए। ओ हो गई। अब तो मैं घूम के जाना पड़ेगा पूरा। मुझे एक लॉजिक समझ नहीं आ रहा है कि अगर मैं इधर से घूम के जाऊंगा और फिर उधर से जंप लगाऊंगा तो स्लाइम के ऊपर जंप तो लगेगी नहीं। सही दिमाग लगा रहे हो, सोचो और सोचो। एक बार ब्लॉक गिनूं तो मैं 1 2 3 4 5 6
छह ब्लॉक की जंप इम्पॉसिबल है। इस टू इम्पॉसिबल। लेकिन एक सेकेंड, क्या मैं इधर से जंप लगा सकता हूँ? मेरे ख्याल से मैं भी इधर जंप लग जाएगी। करते हैं करते हैं। ओ भाई क्या दिमाग लगाया बंदे ने, मतलब वो कंफ्यूज करने के लिए वहां से। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है भाई साहब। अब मैं सब वैसे बताऊं आपको तो ये ट्रैप डोर खोल लो वरना तुम मरोगे भाई। है? इतना भी बॉट नहीं हूं मैं, ठीक है। ओ भाई अब तो तेरा भाई पार कर देगा। टू जंप्स बस हो गया। तो गाइस अगली स्टेज, तो गाइस आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना आप ये वाला पार को कर सकते थे कि नहीं। तो अब आप पे यहाँ पे एक सवाल है, टू प्लस टू इधर देखो, टू प्लस टू इंटू फाइव प्लस टू डिवाइड टू। अच्छा मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स सेट कर सकता हूँ? हाँ तभी तो बैठ दिया है। क्या सवाल था? देख लो। प्लस टू इनटू फाइव प्लस टू डिवाइडेड बाय टू। तो मैं भी इसमें ब्रैकेट दे दूँगा, ये ब्रैकेट है ना? तो ब्रैकेट का पहले अंदर का सॉल्व करना होगा। तो टू प्लस टू फोर, फोर इंटू फाइव ट्वेंटी, ट्वेंटी इंटू फाइव हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड टू। उसका डिवाइड अगर हम टू में करते हैं तो इसका आंसर मे बी 51। पहला आंसर हम देखते हैं जीरो। भाई ये तो किसी कीमत भी नहीं हो सकता। चलो आपको एक चीज़ 51 देखो गाइस मैंने बोला था। हाँ जीरो आंसर है इसका सही, नामुमकिन। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने क्राउड छोड़ के जाने ही वाला था आगे, मैं आगे जाने ही वाला था। कभी भी कुछ भी हो सकता है तो समझ के जाना। हाँ क्या वो वैसे भी गलत है तो फिर 51 इसका सही आंसर है। एक सेकेंड मुझे ग्लिच में दिखा के मेरे आगे अभी स्टी के पिस्टन थे, तो इसका मतलब अगर मैंने ये तार छोड़ा तो ब्लॉक वापस पीछे चले जाएंगे, और मैं गलत नहीं हूँ तो ये पीछे जाने चाहिए। हट आगे सर, मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए खड़ा हुआ था भाई। टू प्लस टू होता है फोर, और फाइव प्लस टू होता है सेवन, और फोर का इंटू जब हम फाइव में करेंगे तो होगा हमारा 20, और 20 का करेंगे तो होगा हमारा 140, और 140 का डिवाइड 2 से करेंगे तब होगा हमारा 70। इस करेक्ट आंसर। भाई ये बंदा अलग ही लेवल का, एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ मैं कि कहीं इनके पीछे तो नहीं है कोई रास्ता, बंदे का कुछ पता नहीं है। नहीं नहीं है भाई, इस बंदे का कुछ पता नहीं है, पता नहीं मैं भी इधर जाऊँ गिर पड़ूँ, इधर तो वैसे ही नहीं हो सकता। एक लास्ट ये इधर भी नहीं होगा यार, मैं भी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। यस यही हमारा सही आंसर है भाई, यही हमारा सही आंसर था। ये हमारी अब अगली स्टेज आ चुकी है। अमला मेरे को पिकेक्स, इसको तोड़ने के लिए पिकेक्स चाहिए होगी ना, इसको ऐसे देखा क्या? डिडंट माइंड, डिडंट माइंड, डोंट माइंड, माइंड लगाना पड़ेगा भाई। ये दो डायमंड के ब्लॉक हैं, ये दो नेदरराइट के ब्लॉक हैं, इसमें दो आयरन के हैं, दो वुड के हैं, इसमें दो एमरल हैं, एमरल के ब्लॉक हैं और दो वुड हैं, और इसका क्या हो सकता है? अगर तुम माइनक्राफ्ट बहुत दिनों से खेल रहे हो तो सोचो सोचो सोचो। एक सेकेंड, डायमंड से हम बना सकते हैं डायमंड आर्मर, और उसको हम
अगर नेदरराइट में कन्वर्ट करें, नेदरराइट के ब्लॉक को जब हम नेदरराइट में कन्वर्ट करें तो वो होता है नेदरराइट इंगट। तो नेदरराइट इंगट प्लस डायमंड आर्मर इज इक्वल्स टू नेदरराइट आर्मर। भाई वुड से कौन सा आर्मर बनता है? एमरल्ड से भी कोई आर्मर नहीं बनता ना वुड से भाई। अच्छा थोड़ी हिंट देगा मेरे को? ये देखो, थोड़ी हिंट देगा मेरे को? देखो ये भाई मेरे को भी आता डांस। अच्छा चलो हिंट देता हूं, मत मारना, मत मारना। ये देख मेरा डांस देख, ये देख पहले मेरा डांस देख, ये देख मेरा डांस देख। एक सेकंड, बस मेरे को इतना बता दे कि सिर्फ आर्मर ही बन सकता है इनसे या फिर कुछ और चीज भी? सब चीज। तो भाई भाई मैं इतना तो कंफर्म हूँ कि ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एमरल्ड से कोई चीज़ बन नहीं सकती है, एमरल्ड से कोई चीज़ मिक्स हो ही नहीं सकती है। हाँ आयरन के साथ वुड मिक्स हो सकता है लेकिन एमरल्ड के साथ कुछ भी चीज़ मिक्स नहीं होती है। तो सोचो सोचो सोचो, ये भी हो सकता है आयरन और वुड। हमारा नेदरराइट और डायमंड मिला के बनता है नेदरराइट आर्मर, और एमरल्ड और वुड को मिला के कुछ भी नहीं बन सकता, ये तो कन्फर्म है। और आयरन और वुड को, वुड से हम बना सकते हैं स्टिक्स, और स्टिक्स और आयरन को मिला के बना सकते हैं हम आयरन का टूल, कोई भी टूल, आयरन की पिकैक्स, आयरन की एक्स, आयरन का सॉर्ड। भाई बंदे में दिमाग तो बहुत है। तो इसका आंसर यही है। नहीं मैं तोड़ लूँगा, मेरे भी हाथ भाई। ये बंदा ना, बस अगर ये सर्वाइवल होता तो मैं वास्तव में तोड़ता। ये बंदा ना बड़ा कंजूस है, इसने मेरे से जो दो एमरल्ड के ब्लॉक, दो या एक था, दो या वो एमरल्ड का ब्लॉक और साइन बोर्ड वो भी निकलवा लिए, बोला के भाई वापस दे। भाई तू है तो बड़ा कंजूस। वैसे अब ये तो पता चल चुका है कि यही सही वाला है, लेकिन इस पर फिर भी डोंट ओपन, डिडंट को मैं फिर भी खोलूंगा भाई। ये क्या है? ये तो खाली है। मेरे ख्याल से इसके मैंने जो करा वो गलत आंसर था। क्या मैं इनको तोड़ सकता हूँ दोबारा? भाई पिस्टन की आवाज आई है, पिस्टन की आवाज आई है, कहीं ना कहीं तो सीक्रेट है। भाई ये बंदा ना, मैं क्या ही बोलूं। वैसे इधर भी कोई ट्रैप लग नहीं रहा है, लेकिन मैं ज्यादा कुछ ना करते हुए आगे बढ़ता हूँ। तुम्हारे सामने आती है थर्ड स्टेज। पहले इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये साइन बोर्ड पढ़ो, ये साइन बोर्ड पढ़ो। तुम ग्लास में खड़े नहीं हो सकते। नहीं बस ग्लास में खड़े नहीं हो सकते। इससे बड़े तो नेदरराइट के बॉक्स पर खड़ा होऊंगा ना। जल्दी जल्दी ग्लास के ऊपर खड़ा होऊंगा मैं। जल्दी ग्लास के ऊपर खड़ा होऊंगा मैं। पर नहीं होना खड़ा। चेस्ट में क्या है? भाई नहीं जाओ, इतनी सारी लावा की बकेट क्यों दिए हैं आप? तुम्हें लेनी हो तो ले लो, वरना कोई बात नहीं। भाई दो एंड एरो का तो मतलब मैं घुसते ही समझ गया था, मैं इसके अंदर घुसते और देखते ही समझ गया था कि इसमें करना क्या है, लेकिन लावा बकेट क्यों दे रखी इतनी सारी? वो सजावट के लिए है। अच्छा ये बंदा अभी ना, भाई भाई अब करना क्या है? सामने दिख रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, भाई कम से कम आधी तो दे देता, मेरा मतलब है थोड़ी आधी से ज़्यादा तो दे देता। सात ब्लॉक है और तीन एरो है मेरे पास। हाँ यार इतना ज़्यादा दे दे नहीं। हाँ ये बंदा ना सही में कंजूस है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा वाला कंजूस है। अब जल्दी पार करो इस स्टेज को, इसके बाद दो स्टेज हो गए।
मतलब जो ये नीचे होकर चला रहा है मैं आगे से लगाऊंगा तो बेटर रहेगा कि लगाऊंगा करो। तो भाई मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और मैंने जो नीचे गेट खोला था तो मैं सोच रहा हूँ कि जरा एक बार तीसरे वाले पे और चौथे वाले पे मार के देख जाए। भाई ये क्या था? अब तो मैं मरना पड़ेगा लावा के ऊपर इसलिए दी गई थी मैं ग्लास को। तो ओ भाई लावा उधर, अगर मैं उधर खड़ा होता तो मैं तो मर ही जाता। तो यहाँ पे भी तो मरोगे। एक सेकंड मैं इस ग्लास को तोड़ सकता हूँ। नहीं क्यों? कुछ तोड़ना अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब ये लावा इतनी सारी लावा की वजह से रखी थी। यस ये बंदा बड़ा चालू है भाई। तुम्हारे हाथों से मौत देखने में क्या ही मजा आएगा अपनी। तो भाई यार कोई और तरकीब नहीं है इसे ऐसे निकलने की? कोई नहीं है तुम्हारे हाथों से। खाली बकेट चाहिए कुछ भी सामान। बस एक गुंडा कर दिए, बस एक बार मिल गया उसके बाद नहीं मिलेगा। अब तुम्हें इस कमरे में ही कुछ फिगर आउट करना है। सोच लो क्या होगा ऐसा। भाई इस कमरे में क्या फिगर आउट करना है? तो मैंने गुस्ती देख लिया था सिर्फ इसमें ये दो एंट्रेंस खुली है, एक पे लावा। देखो थोड़ा दोनों ही ट्रैप है। थोड़ा सा ध्यान लगाओ माइनक्राफ्ट में ऐसी क्या चीज है जो तुम सोचो, जल्दी सोचो। भाई सैंड के बूट सैंड बूट के ऊपर है क्या? मैंने क्या बोला था? डोंट ग्लास में कुछ गड़बड़ लग रही है इस वाले ग्लास में। नहीं नीचे क्यों है? लेकिन यार अगर कुछ गड़बड़ होती तो दिखती से सही मेरे को। नीचे से कोई लीवर या बटन लगाना है क्या कहीं पे? नहीं मैं एक चीज दिखाऊं आपको। भाई कितनी गहरी है लावा की? एक सेकंड समझ गया। ओ भाई ये बंदा ना, इधर देख रहे हो लावा कैसा है और इधर देखो लावा कैसा है और इसमें गैप भी है अंदर। नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। भाई सामने से हटिए जरा। नहीं सामने से हट, मैं बोल रहा हूँ। भाई या तो मैं बचा या तो गया। ओ भाई देख रहे उस बंदे का खुराफाती दिमाग। ओ भाई देख रहे उस बंदे का खुराफाती दिमाग। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। भाई मैं आ रहा हूँ ठीक है। हो गया क्या? हाँ, अगर भाई एक भी ज़ोंबी और ज़ोंबी का बच्चा भी मिल गया ना तो माँ कसम बता रहा हूँ मैं मेरे को खेलने का ही नहीं है, मेरे को खेलने का ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ। भाई ये तेरा बर्थडे का क्या है? आ जाओ। सही बता रहा हूँ मैं कूद के मर जाऊंगा यहाँ से। भाई कूदने की जगह भी तो नहीं, कहाँ से कूदूँ? ये भी तो तुम्हारे बताते थे। भाई ये इसके इस बंदे के पास में सब इंतजाम होते हैं, मेरे को मारने तक के इंतजाम है। भाई पागल नहीं हूँ मैं, ये बारिश बंद करेगा भाई। तो भाई यार अब ये लास्ट स्टेज है और मैंने जरा इससे एक स्टेप फूड ले लिया था थोड़ा सा, क्योंकि मैं मरगिल्ला हो गया था बिल्कुल, क्योंकि स्पाइडर स्पॉन हो गई थी। इस बंदे को मैंने बहुत बार मना किया है कि ऐसे वर्ल्ड मत बनाया कर जहाँ पर बारिश पड़े डेली डेली, छोड़ो हर घंटे पड़ती है। मैं क्या करूँ? भाई ये अब इस चेस्ट को खोलते हैं और वीडियो ख़त्म करते हैं। फाइव गोलम पीवीपी
भाई कुछ है क्या भाई, ये क्या है ना, ब्लॉक मिलेंगे बस हाथ से करना पड़ेगा भाई, ये एक एक गोलम भी काफी है भाई मेरे लिए। क्या है आरिश 9 पीवीपी भाई, तेरे को तो मैं उठा उठा के पटक दूंगा ठीक है। और इसके अंदर होगा फुली नेदर राइट एन्चेंटेड। भाई यार ये क्या है तो भाई, भाई तेरे साथ पीवीपी करना और सिर्फ एक वाटर बकेट भाई, ये मजाक नहीं। अरे ये आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको किसी नए वीडियो में, तो टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय। इस वाटर बकेट से क्या एमएलजी करने का है मेरे को, कर लो करके देखो।